आर्मी चीफ को एक्सटेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पाकिस्तान सेना के पूर्व अफसर बेहद खफा हैं। पूर्व जनरल और रक्षा विशेषज्ञ जनरल अमजद शोएब ने इसे पाकिस्तान आर्मी की बेइज्जती करार दिया। शोएब ने कहा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तो कार्यकाल विस्तार चाहते ही नहीं थे, प्रधानमंत्री ने उन्हें तैयार किया। अब जो हो रहा है वो इस मुल्क की पूरी फौज की बेइज्जती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भी मामले में सुनवाई की, यह आज भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की नादानियों का जिक्र हुआ तो संवैधानिक बेंच के सामने कोर्ट रूम में ठहाके भी लगे, दोषियों को सजा मिले। जियो न्यूज ने बाजवा के सेवा विस्तार विवाद पर रिटायर्ड जनरल शोएब से बातचीत की। शोएब अक्सर टीवी डिबेट में पाकिस्तान सेना का पक्ष रखते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, आर्मी चीफ बाजवा ने हर मामले में सरकार की मदद की, चाहे वो विदेश नीति हो या अर्थव्यवस्था। वो प्रधानमंत्री के साथ विदेश दौरों पर गए क्योंकि खुद पीएम उनकी मदद चाहते थे। अमेरिका दौरे के बाद इमरान ने खुद बाजवा को एक्सटेंशन के लिए मनाया। आर्मी चीफ तो यह चाहते ही नहीं थे। ब्यूरोक्रेसी और सरकार की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब जो हो रहा है वो पूरी फौज की बेइज्जती है। मामला निपटने पर दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, हमें इसका इंतजार रहेगा। आर्मी चीफ अपने कमांडरों से सलाह लेता है, वो ही उसके साथी हैं, सरकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ठहाके। बाजवा कार्यकाल विस्तार विवाद पर लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तीन जजों की बेंच के सामने अटॉर्नी जनरल ने नए दस्तावेज पेश किए। कहा, क्लर्क लेवल पर गलतियां हुई, हम नए दस्तावेज पेश कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस खोसा ने पूछा, प्रधानमंत्री बाजवा को नए सिरे से नियुक्ति देना चाहते हैं, राष्ट्रपति उन्हें सेवा विस्तार देना चाहते हैं, और आप इन लापरवाहियों को क्लेरिकल मिस्टेक बता रहे हैं। चीफ जस्टिस के सवाल पर कोर्ट रूम ठहाकों से गूंज उठा। सरकार को शर्मसार होना पड़ा। इमरान मंगलवार रात ही कानून मंत्री से इस्तीफा ले चुके हैं। अब गुरुवार को भी मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से नई समरी और आर्मी चीफ की नियुक्ति से संबंधित जानकारी मांगी है। आर्मी चीफ को भी मौजूद रहने को कहा।